नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। 6 साल बाद इस खिलाड़ी ने पुजारा से मांगी माफी, नस्लीय टिप्पणी करते हुए कहा था स्टीव। इंग्लैंड क्रिकेट में आए दिन नस्लवाद की खबरें आ रही हैं। मंगलवार को पाकिस्तान के अजीम रफीक ने यॉर्कशायर काउंटी के लिए खेलने के दौरान अपने ऊपर हुए नस्लभेदी टिप्पणी होने का आरोप लगाया था। वहीं जब भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा भी 2015 में यॉर्कशायर काउंटी क्लब के लिए खेलते थे तो उन्हें भी उस वक्त नस्लवाद का शिकार होना पड़ा था। दरअसल पुजारा को उनके साथी खिलाड़ी जैक ब्रूक्स स्टीव कहकर पुकारते थे, लेकिन अब करीब 6 साल बाद समरसेट के तेज गेंदबाज और जैक ब्रूक्स ने पुजारा से माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने 2012 में किए गए अपने 2 नस्लवादी ट्वीट्स के लिए भी खेद जताया है। बता दें कि ब्रूक्स पर आरोप है कि उन्होंने तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स और ऑक्सफोर्डशायर के लिए माइनर काउंटी क्रिकेट खेलने वाले स्टीवर्ट लॉडेट के खिलाफ भी नस्लभेदी शब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं ब्रूक्स ने अपने बयान में कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने 2012 में मेरे द्वारा दिए गए 2 ट्वीट्स में इस्तेमाल किए गए भाषा नस्लवादी थे। मुझे इसका इस्तेमाल करने का गहरा अफसोस है, मैं अपने किए पर माफी मांगता हूं। गौरतलब है कि अजीम रफीक ने डिजिटल संस्कृति मीडिया और खेल चयन समिति के सामने जो बयान दिया था उसमें ब्रूक्स का नाम भी शामिल था। रफीक ने अपने बयान में कहा था कि वो ब्रूक्स ही थे जिन्होंने पुजारा को स्टीव कहने की प्रथा की शुरुआत की थी। ब्रूक्स आगे कहते हैं कि मैं इस संदर्भ में इसका इस्तेमाल करने की बात मानता हूं। हां, मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे द्वारा ऐसा करना अपमानजनक और गलत था। मैंने पुजारा से संपर्क कर उनके या उनके परिवार के किसी भी अपमान के लिए माफी मांगी है। मैं उस समय इसे नस्लवादी व्यवहार के रूप में नहीं लेता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ब्रूक्स ने पुजारा से माफी मांगी है और उनका मानना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।